हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। खुश आमदीद आपको हमारे न्यू व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज के व्लॉग को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो अभी लगी हुई है ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश, तो अभी आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई है, तो इसलिए आज सो गाइस अभी आप देख सकते हैं बाहर कितनी ज़्यादा बारिश है। और सामने आप फोग देख सकते हैं, सामने एक पहाड़ है वो भी फोग में नज़र नहीं आ रहा। और इतनी ज़्यादा बारिश है और इतनी ज़्यादा सर्दी भी है साथ में, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का आपको पता ही होगा कि इंसान बाहर नहीं जा सकता आज़ाद कश्मीर में सर्दी में। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है कि इंसान बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। तो अभी देख सकते हैं कितना ज़्यादा कीचड़ भी है बाहर। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं ये ट्रॉफी आपको पहले नज़र नहीं आई, क्योंकि हमारे घर में ये ट्रॉफी पहले नहीं थी, क्योंकि ये हम टूर्नामेंट जीते हैं उस दिन, क्योंकि हमारा टूर्नामेंट था उस दिन। 3 ओवर का फाइनल था, 3 ओवर में दूसरी टीम ने 53 का टारगेट दिया था और मैं तो हंसा ओपनर आए थे। और अच्छी बात यह है कि हम 4 गेंदों पहले ही जीत गए, 18 बॉलों पर 53 रन जीते थे और हम 14 बॉल पर ही जीत गए। तो ये ट्रॉफी फिर हमें ये मिली है, देख सकते हैं। तो जब हम टूर्नामेंट जीते ना हमने शोर शराबा किया, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, तो उन्होंने उनकी बॉलिंग थोड़ी ख़राब थी इसलिए वो हार गए मैच। तो फिर से मैं कह रहा हूँ इस ब्लॉग को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। अभी लग चुकी है मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख, तो भूख का एक ही इलाज होता है, कुछ खा लेते हैं। तो हमारे घर पड़ा हुआ मैंगो, तो जाकर उसको काटता हूँ, खाने की वीडियो बनाता हूँ और साथ में काटने की। तो चलो चलते हैं। सो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं बारिश में, बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही है। ये देखें सामने कितना कीचड़ है और सामने आप पहाड़ देखें, इसके ये फॉग है, इसके सामने पहाड़ लगा है, इसके सामने पहाड़ है, लेकिन अभी मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि फॉग ने सब कुछ कवर कर दिया। देख सकते जो हमने सब्जी लगाई हुई थी ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं। ये देखें यहाँ से लगी हुई, यहाँ भी लगाई हुई थी, कुछ वहाँ भी लगाई हुई हैं। ये देखते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं। और दरख्तें देखें, आज के दरख्त भी फैल चुके हैं, देखें ग्रीन दरख्त हैं माशाल्लाह। घास भी देखें ग्रीन हो चुका है और सामने आप देखें कितनी ज़्यादा फोग है। तो आपकी खातर में इतनी ज़्यादा सर्दी में ब्लॉग बना रहा हूँ, तो प्लीज़ आज के ब्लॉग को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर। आज वरना हम हार्डली क्रिकेट खेलते थे, तो आज तो क्रिकेट खेलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है, कीचड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो भाई सबसे पहले हम मैंगो धो लेते हैं। सबसे पहले आप जो चीज़ भी खाएं सबसे पहले इसको धो लिए, क्योंकि इनके साथ जम्स होते हैं। तो गाइस मैंगो धो लिया, अभी मैंगो काटते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं मैंगो काट लेता हूँ, फिर आपको रख लेता हूँ। सो गाइस दोनों काट चुके हैं, अंजला का है, मैं भी मैंगो खाऊंगा तो थोड़ा सा अंजला को दे देंगे और थोड़ा सा खुद भी खा लेंगे। तो अभी मैंगो खाते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलते हैं। अभी मैं बर्तन धो के रखा हूँ और साथ में मैंगो भी खाया हूँ, अभी मेरी भूख मिट चुकी है। अभी मैं तो हंसा खेलने वाले हैं लूडो, तो एंड में बताएंगे क्या होने क्या होगा, कौन जीता और कौन हारा। तो फिर से कहने लगा हूँ 10 बार कह चुका हूँ, इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो हम लाए थे ताज़ा मक्खन, तो उसका आप बना रहे हैं देसी घी, देख सकते हैं ये भी उबर रहा है। उबलने के बाद इसको ठंडा किया जाएगा और फिर इसको फ्रीज किया जाएगा, इसको हम नाश्ते में भी ले सकते हैं। इस प्रोसेस से गुजरेगा, फिर आपको मैं दिखाऊंगा आगे क्या होता है। आज़ाद कश्मीर में ऐसे ही लोग देसी घी खाते हैं और जान बनाते हैं, तो इसीलिए हमने अभी देसी घी मंगवाया है। तो अभी हम इसको नाश्ते में लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? व्लॉग अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आप सबको अगले व्लॉग में।